नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मुकेश सहनी और बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, इन दोनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, MLC चुनाव में इन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था, पर इनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया, तो फलस्वरूप आज उन्हें जीत का जो है सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ये आप खबर बता रहे हैं आपको कि इन दोनों को ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। तो अब शाहनवाज हुसैन के निर्वाचित घोषित हो जाने के बाद अब नीतीश सरकार का एक्सटेंशन की भी उम्मीदें अब ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन भी मंत्री बनने जा रहे हैं, लगभग ये तय है, और मुकेश सहनी पहले से नीतीश सरकार में मंत्री हैं। तो खैर, इस वक्त की खबर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि दोनों ही नेताओं को, यानी शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी दोनों को ही जीत का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जो निर्वाची पदाधिकारी थे संजय अग्रवाल, जो पटना प्रमंडल के आयुक्त हैं, उन्होंने उन दोनों को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया है। तो आपको बता दें कि विधान परिषद का प्रमाण पत्र मिलने के बाद शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित होने पर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हृदय से आभारी हूं। शाहनवाज ने लिखा है कि 1986 में से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और जब भी और जो भी जिम्मेवारी मिली है अब तक बखूबी उसका निर्वहन करता रहा हूं। आगे भी पार्टी के भरोसों को कायम रखने के लिए कोई कसर नहीं रहने दूंगा। तो शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट करके लिखा है, बधाई दी, आभार जताया है PM मोदी का, अमित शाह का और JP नड्डा का, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अब तक जो जिम्मेवारी मिली है वो निभाता रहा हूँ और आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूँगा। तो शाहनवाज हुसैन नई भूमिका में आ गए हैं, बिहार के MLC बन गए हैं वो, केंद्र की राजनीति से उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स में एंट्री कर दी है, और अब उनका नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री बनना भी तय है। अब तो शाहनवाज हुसैन अब आगे किस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए कि बिहार की पॉलिटिक्स से, वो बिहार से ही सांसद चुने गए थे पहले और 3 बार सांसद रहे थे, और सुशील मोदी की छोड़ी हुई सीट पर अब वो फिर से बिहार में अब MLC बने हैं और अब बिहार की पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एंट्री करने जा रहे हैं। BJP की सियासत बदल रही है, उस सियासत के बड़े इक्के के तौर पर शाहनवाज हुसैन को देखा जा रहा है बिहार में। तो शाहनवाज हुसैन अब नई भूमिका के लिए तैयार हो गए हैं, जीत का सर्टिफिकेट भी उन्हें मिल गया है। उसके बाद उन्होंने आपको बता दें कि इन दोनों ने नामांकन किया था, उस वक्त नीतीश कुमार भी मौजूद थे और तमाम BJP के नेता भी मौजूद थे, और DP CM जो है तारकिशोर प्रसाद समेत तमाम नेता मौजूद थे, और इन दोनों की मौजूदगी में इन्होंने नामांकन किया था। खैर, अब दोनों जीत गए हैं, एक मंत्री पहले से हैं और दूसरे मंत्री बनने की कतार में खड़े हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।